नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 8 दिसंबर 2020 मंगलवार है। आज का दिन बहुत अहम है, कम से कम मेरे मन में तो आज अहम इसलिए है, आज पहली बार किसी बड़ी और अर्थव्यवस्था ने, किसी बड़े देश ने और कोरोना वायरस के वैक्सीन लगाने शुरू किए हैं, ट्रायल के लिए नहीं, आम आदमियों के लिए। यानी कि ट्रायल को पूरा करके, उसको मान्य करके, और अब आज वैक्सीन लग रही है यूके में, आज यूके में लग रही है, आज से शुरू हुई है, कल भारत में मीटिंग होगी, शायद हमारे यहाँ भी वो शुरू हो जाए, परसों 10 तारीख को अमेरिका में मीटिंग है, एक दो दिन में वहाँ भी वैक्सीन लगनी शुरू होगी, दो चार दिन पहले रशिया में शुरू हो गई थी और अब यूरोप में, जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह वैक्सीन आने लगेगी। तो ये जो 2020 का साल गया, जो कि अब इसके बारे में क्या कहें, ना कहें वही सही है, शायद वो साल हमारे पीछे जा रहा है अब, और हम जो हर साल की सामान्य स्थिति होती है उस तरफ जा रहे हैं, हर वर्ष जो हम सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं वहां पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी कृपा होगी ईश्वर की, और ऐसा लग रहा है आज कि हम वहां पहुंच रहे हैं। मैंने टीवी पर देखा, बहुत कम टीवी देखता हूं, पर फिर भी आज तो देखा कि वहां 90 वर्ष की महिला को, जो ग्रैंड मदर है यानी दादी या नानी है, उनको पहला वैक्सीन लगा यूके में, और वो तो शुरुआत है, अब तो वो रोज लगाने लगेंगे, और जैसा हम बात कर रहे हैं कि सब जगह लगने लगेगा। अब आप एक बात सोचिए, इतना अच्छा समाचार है, इस समाचार के बाद तो अमेरिकी बाजारों को, भारतीय बाजारों को उछाल लगानी चाहिए थी, हमको 500 पॉइंट निफ्टी में ऊपर जाना चाहिए था, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर जाना चाहिए था, वैक्सीन लग गई, इससे बड़ा और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? हुआ तो नहीं ना, ये आज सुबह वैक्सीन लगेगी ये बात तो सबको मालूम थी, वो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि ये जो पिछले महीनों, 3 महीनों की या 2 महीनों की तेजी थी, वो इसीलिए तो आ रही थी कि शायद हम कोरोना से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, इस ग्रस जो ये जो हमारे ऊपर आफत आई हुई है, इससे हम बाहर निकल रहे हैं, ये सोचकर ही बाजार ऊपर जा रहा था। जो कहते हैं ना कि शेयर बाजार हमेशा आगे के समाचारों को डिस्काउंट करता है, यानी जो समाचार आने वाले हैं उसको वो भाप कर, उसको वो किसी प्रकार से समझ कर, उसके पास जानकारी तो है नहीं, भविष्य की जानकारी किसी के पास नहीं है, पर वो अंदाज लगा लेता है कि शायद अच्छे दिन आ सकते हैं। हमारे लिए तो अच्छे दिन यही है कि कोरोना के संकट से हम का निवारण हो जाए, वही अच्छे दिन है सारे विश्व के लिए। तो ये वो दो महीने से भाप रहा है, इसलिए बाजार ने ये जो 10,800 से 13,400 तक की तेजी आई है, ये तो वही हुई होगी, इसी तरह की तेजी अमरीकी बाजारों में आई है और विदेशी बाजारों में आई है। तो ये जो तेजी आई है, ये उस कोरोना के संकट का अंत दिखाई पड़ रहा है, उसकी तेजी आ गई। अब जब वो समाचार आने लग गए तो तेजी का कोई कारण बना नहीं, हमने तो पहले तेजी खा ली सारी। मेरी यही राय है, मेरी यही समझ है, इसलिए मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिन बाजार कंसोलिडेशन में रहेगा। कंसोलिडेशन के बाजार बहुत मुश्किल होते हैं ट्रेड करने, और ये कोई मामूली सा कंसोलिडेशन 100 या 200 पॉइंट का नहीं होगा, स्तर तो धीरे धीरे समझ में आएंगे, लेकिन हो सकता है 400-500 पॉइंट का, 700 पॉइंट का वाइड रेंज कंसोलिडेशन हो। अब ऊपर गए, नीचे आए, फिर बीच तक गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर बीच तक गए, फिर ऊपर आए, यानी कोई रुख नहीं रहेगा, केवल रुख इतना ही समझ में आएगा कि यहाँ तो हमारे ये सीमा बन रही है ऊपर की तरफ, ये सीमा है उस कंसोलिडेशन की नीचे की तरफ, इतना ही रुख समझ में आएगा। इस तरह के कंसोलिडेशन में ट्रेड करना मुश्किल है, लेकिन हम तो ट्रेडर्स हैं, हम उस मुश्किल का भी कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। मेरी समझ से ये मैं अब आपको कल की बात बता रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ कल करूँगा। अब हम बहुत सप्ताह बाद, कई दिनों बाद, मुझे लगता है कि अब हम शॉर्ट करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, इसलिए नहीं कि बाजार नीचे जा रहा है, इसलिए कि कंसोलिडेटिंग मार्केट में, बाजारों में मंदी भी आती है, क्योंकि हम घूम तो रहे हैं एक दायरे में ही ना, तो नीचे भी तो आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो उस नीचे में भी ऐसी चाल कभी कभी मिलती है कि जहां कमाई हो सकती है, जो पकड़ में आ सकती है। तो अब कुछ दिन तो ये रुख है कि भाई हम बेचने के लिए भी तैयार हैं, ओनली इंट्राडे सेलिंग, सिर्फ इंट्राडे बेच, बिकवाली सिर्फ इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे होती है। अगर पोजीशन कैरी करनी है तो हमारे पास लॉन्ग है, हमको लगता है कल सुबह गैप अप हो सकता है तो हम लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर लेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन दिन में बेच सकते हैं कोई माहौल मिले तो। कल के लिए अब मैं सोच रहा हूं कि एक साधारण सा कोई ट्रेंड का इंडिकेटर अपने चार्ट में लगा लूं, 20 दिन का एक्सपो 20 पीरियड का 5 मिनट चार्ट में,
20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लिया, अगर दाम प्राइस के ऊपर एवरेज के ऊपर जाने लग गए इंट्राडे में तो मान लिया कि थोड़ी सी एक तेजी आ रही है, नीचे आने लगे तो मान लिया कि हल्की सी मंदी आ रही है। एंट्री तो हम मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पर कर लेंगे, लेकिन निकलना पड़ेगा आपको अपने अकल से। आप उसके नीचे आने माने मूविंग एवरेज के नीचे भाव आए वहां तक रुकिए मत, क्योंकि वो तो कभी भी अचानक भी हो सकता है। तो कल का ये रुख है, दुर्भाग्यवश मैं कल के लिए कोई स्तर नहीं बता पा रहा हूँ, लेवल्स नहीं है, क्योंकि है नहीं मेरे ध्यान में। मैंने सोचा यही है कि कल हल्के हल्के ट्रेंड अगर इंट्राडे मिलेंगे तो मूविंग एवरेज की तरह का कोई भी आप उपकरण यूज कर लें चार्ट पर, वो कोई ये मैंने तो उदाहरण ही दिया है, पर इस तरह से कल ट्रेड करने का मन है। कल हम फिर बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।